फ्री सबसे बेस्ट और स्टेबल एडिटिंग अगर आपको चाहिए तो आपको सिंपल डेविंच रिजॉल्व के अंदर ही मिल सकती है। बाकी और सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं और उसके फीचर्स इतने बेहतरीन नहीं है जितने डेविंच रिजॉल्व के हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे टेक्स्ट जो फ्लिकर हो रहे हैं, बैकग्राउंड में इमेजेस आ रही है, तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ईजी तरीके से डेविंच रिजॉल्व के अंदर कर सकते हो। देखिए वैसे कुछ चीज़ें जो आपको ओनली स्टूडियो वर्जन में ही मिलते हैं, लेकिन फ्री वाले वर्जन में आपके 90% काम पूरे हो जाते हैं। अब बात आती है कि इसे डाउनलोड कैसे करें। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि ब्लैक मैजिक डिज़ाइन सी एक वेबसाइट आती है जो कि डेविंच रिजॉल्व स्टूडियो, उसके ऊपर आपको फ्री में मिलता है और उसका स्टूडियो वर्जन भी अगर आप डाउनलोड करना चाहे तो आज से वन टाइम परचेस में उसे आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हाँ, इसके प्लगइन्स बहुत से नहीं है, बट अभी इसके प्लगइन्स धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्विच हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो एडिटिंग के करियर में, अगर कुछ करना चाहते हो तो स्टार्टिंग ही डेविंच रिजॉल्व से करें, ताकि आपको बाद में स्विच होने का कोई जरूरत ना पड़े। कोई बोलता है कि मैं 10 साल 5 साल 15 साल यूज़ किया प्रीमियर प्रो और अभी डेविंच रिजॉल्व के स्विच हो रहा हूँ, बाकी स्विच भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है डेविंच रिजॉल्व के ऊपर स्विच करना। तो चलो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। तो ये अभी हमने डेविंच रिजॉल्व 18.6 ओपन किया है। देखिए बेसिकली यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल रही है कि देखिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करके आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करके आप उसे जो भी नाम देना चाहे आपने प्रोजेक्ट को दे सकते हो यहाँ से क्रिएट करके। बट हमने यहाँ पे एक पहले से डेमो वाला वर्जन बना के रखा है, तो हम इसको डेमो पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही ओपन वहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब नीचे मिल रहे हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपको मैं देना चाहूँगा। देखिए कीबोर्ड कस्टमाइजेशन में जाकर आप अगर प्रीमियर प्रो से आ रहे हो या फाइनल कट प्रो से आ रहे हो तो उन वाले सेटिंग्स को या जैसे थे यूज़ कर रहे थे वैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे स्प्लिट सी नाम से अपना एक तैयार किया है, अपना कस्टमाइज़ किया हो, जिसके अंदर मैं सी दबाने से मेरी क्लिप स्प्लिट होना चाहिए और ऐसे बहुत से मैंने कस्टमाइज़ किया है ऊपर से। और एक दूसरी है प्रिफरेंस में जाके मैं आपको बता दूँ, यूज़र्स में जाना है, उसके बाद में आपको जाना है यूज़र्स के अंदर, फिर प्रोजेक्ट सेव एंड लोकल लोड में जाना है। यहाँ पर आपको लाइव सेविंग का ऑप्शन मिल रहा है, इसको भी ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट क्रैश हो जाए, कभी लाइट चल जाए, कुछ भी होने से आपको प्रोजेक्ट जैसा था वैसा आपको लास्ट सेकंड तक का मिल जाएगा। फिर और एक यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलती है जिसके अंदर आप उसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, फॉर्मेट सेट कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकल वीडियो टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स बनानी है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे आप सेव कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम अपने मीडिया पेज के ऊपर। यहाँ से बेसिकली अपने पूरे लैपटॉप के अंदर के जितने भी ड्राइव्स है यहाँ पे सब दिखाई देते, जो भी मीडिया आपने कहीं रखी है फोल्डर्स बना के या जैसे भी आपने सेव किया है वो यहाँ पर सब आपको मिल जाएगी। इनको आप वन बाय वन करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो हर चीज़ को। बट एक और बहुत बेहतर एक फीचर्स आता है डेविंच रिजॉल्व के अंदर जिसको कहा जाता है पावर बेंच, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अंदर आप सब कुछ ऑलरेडी डाल के रख सकते हो और हर प्रोजेक्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इतना ही था। फिर कट पेज में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको बेसिकली सब कुछ मिल जाता है, ट्रांजिशन टाइटल्स इफेक्ट्स सब कुछ यहाँ पे देखिए। ये ट्रांजिशन के अंदर भी आपको वीडियो के और ऑडियो के ट्रांजिशन अलग अलग यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम यहाँ पर मीडिया को इंपोर्ट कर लेते हैं अपने टाइमलाइन के अंदर सिंपल ऐसे। अभी देखिए यहाँ पे आपको दो टाइमलाइन जैसे दिख रहा है, जो नीचे वाली है पूरी जूम की हुई टाइमलाइन है और ऊपर में देखिए जो हमने मीडिया डाल रखी है ना वो वाली मीडिया 1 2 3 4 ये चार क्लिप यहाँ पर आ चुकी है, दिख रही है आपको ये चार क्लिप यहाँ पर आ गई। अब नीचे जो है ये बेसिकली प्रिसाइज तरीके से आपको कट लगाने के लिए एडिट करने के लिए ये कट टैब बना हुआ है, इसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर सकते हो अपने इमेजेस को और वीडियोस को सबको। फिर देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन आपको भर भर के मिलते हैं, जितना प्रीमियर प्रो में नहीं मिलेंगे उससे बहुत कई गुना ज़्यादा ट्रांजिशन आपको यहाँ पर मिलते हैं और इसके पैक्स भी बहुत सारे इंटरनेट पर अवेलेबल है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। देखिए तो इसके अंदर क्या है, एक तो मोशन ग्राफिक्स जो है ना मोशन वो भी इसके अंदर मिलता है, मोशन ग्राफिक्स क्या बोलते हैं उसको, मोशन ब्लर जो होता है वो भी इसके अंदर आपको मिल रहा है, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। ऑडियो की भी है यहाँ पे बहुत सारे जनरेटर से, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फेवरेट्स में जो आप बेसिकली जो रेगुलर यूज़ करते हो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। फिर देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं एडिट टैब। अब सब कुछ एडिट टैब में, एडिट टैब भी मान लो कि पूरा प्रीमियर प्रो आपका इसी में डाल दिया है एडिट टैब के अंदर। जैसे कि देखिए अभी यह हमारा एडिट टैब है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पावर बिन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसको आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, स्मार्ट बिन और पावर बिन्स को यहाँ पे दोनों को टिक कर रखा है। इसके अंदर जितने आप रेगुलर यूज़ करते हो साउंड इफेक्ट्स या इमेजेस या जो भी आपने एक अलग से बना के रखा है ग्रीन स्क्रीन, इनको एक बार अगर आपने इसमें इंपोर्ट कर लिया उसके बाद में आपको इसे दोबारा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप कभी भी इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देखिए ये सब कुछ हुश वाले साउंड से सब कुछ ठीक है, ये साउंड हमने कुछ और डाल रखे इसके अंदर। अगर आपको ये चाहिए सारे साउंड्स इफेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको एक जिप फाइल बना के ड्राइव का एक लिंक दे दूंगा। देखिए
इतने सारे हमने साउंड यहाँ पे पूरे बना के रखे हैं, आप इनको कभी भी यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में। ये पावर बिन्स कभी यहाँ से नहीं हटता। वैसे स्मार्ट बिन भी यहाँ पर आया हुआ है, इसमें क्या है बेसिकली सब कलेक्शन अपने आप कर लेता है, उसे हम बाद में कभी देखेंगे। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वीडियो ट्रांजिशन देखिए, यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन आपको सब मिल रहे हैं। ये बहुत सारे हमारे पास पैक है जो हमने डाउनलोड कर रखे हैं, आपको भी मिल जाएंगे अगर आप कमेंट करते आपको चाहिए। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे DM कर सकते हैं। देखिए ऑडियो ट्रांजिशन यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यह टाइटल्स है, यहाँ पर टाइटल्स भी बहुत सारे हमारे पास भर भर के हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे डबल लेयर करता है इसको, देखिए कितने सारे बैकग्राउंड्स और बिग टेक्स्ट सब कुछ इसके अंदर, कमेंट सब्सक्राइब वाला। अब ये वाला देखिए जो है प्रोग्रेस बार जो है हमारे तरफ से आ रखा है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर सेपरेट वीडियो हमने बना के रखा है, यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इसे। इसके ऊपर एक पासवर्ड लगवाए, उसको वीडियो के लिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा उस वाले, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है इफेक्ट्स, डिजिटल ग्लिच। अभी देखो हमने जो मीडिया को सेलेक्ट कर रखे उसके ऊपर हम डिजिटल ग्लिच लगाने से कैसे देखें, यहाँ पर लाइव प्रीव्यू भी आपको देखने को मिलता है, अलग से कोई प्लगइन लगाने की जरूरत नहीं है, लाइव प्रीव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत ईजी तरीके से। अभी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टूल्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, देखिए कट ये ट्रिम करने के लिए। ऊपर से देखिए ये जो लॉक वाला है इसको सिलेक्ट करके रखना है हमें, क्योंकि देखिए ये अभी यहाँ पे अनसिलेक्ट था तो मीडिया हमारी अलग अलग सिलेक्ट हो रही थी। अभी इसको हमने देखो ये मीडिया अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, यानी कि कुछ भी करेंगे तो नीचे वाला ऑडियो के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको लिंक करके रखते हैं तो ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ कट हो सकते हैं बढ़िया से, इसलिए हमेशा इसको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से दो डॉट का क्या काम है, देखिए यहाँ पे बहुत ईजी से एक ट्रांजिशन लग जाएगा, देखिए ये वाला, इसको फेड इन फेड आउट वाला जो इफेक्ट कहा जाता है। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। अगर आपको किसी मूवी का कलर ग्रेड काफी नया YouTube चैनल, अभी कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि क्लिप बड़ी थी तो हमने इसको छोटा कर दिया है, तो थोड़ा सा देखना आपको इसको जूम करके, टाइमलाइन को जूम करके देखना हमेशा। देखिए यहाँ से आप जूम कर सकते हो, अब ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। बाकी जो इंस्पेक्टर में काम है, जैसे कि आपको इफेक्ट्स वाला टूल मिल जाता है प्रीमियर प्रो में, वैसे इंस्पेक्टर के अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं डेविंची रिजॉल्व में। सबसे बेहतरीन है वॉइस आइसोलेशन, इससे तो आप क्या ही कहे, आपके वॉइस में कितना भी ज़्यादा नॉइस क्यों ना हो वॉइस आइसोलेशन से हट जाएगा सिंपल एक क्लिक के अंदर। देखिए इंस्पेक्टर के अंदर ऑडियो में वो मिलेगा, बट वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, क्रॉपिंग मिलेगा, बहुत से डायनामिक जूम है, तो देखिए बहुत ईजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और एक इसको करने का दूसरा तरीका ये है क्रॉपिंग करने का, आप यहाँ से तो कर ही सकते हैं, बट यहाँ पर देखो आपको एक आइकन मिल रहा है, इसको क्लिक करते ही ये देखो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है, हैं ओके, इसको राइट क्लिक करेंगे आप देखिए और एक क्रॉप मिलेगा। तो यहाँ से आप सिंपल क्लिप को जितना चाहे उतना माउस की मदद से ही ऐसे क्रॉप आप कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको अलग से इफेक्ट लगाना पड़ता है प्रीमियर प्रो के अंदर, जो यहाँ पे डायरेक्टली इंस्पेक्टर के अंदर आपको हर क्लिप के ऊपर ये ऑलरेडी लगा हुआ मिलता है, जिससे आपको ईजी जाता है एडिटिंग करने में और भी ज़्यादा, ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हो यहाँ से, कुछ नहीं करना है, और कंट्रोल जी दबाने से आप इसे अंडू कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आप डायनेमिक जूम को हम ऑन कर लेते हैं, देखिए सिंपल जो ग्रीन है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है और जो रेड है ना वहाँ तक ये एंड होने वाला है जूम, जो भी आप करना चाहते हैं। देखिए ग्रीन है और रेड, अब हम इसको प्ले करते हैं तो ये वहाँ से स्टार्ट होके बाहर के साइड में ये होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमारे क्लिप में जूम वूम हुआ था इसलिए हमको ज़्यादा पता नहीं चला इसके अंदर। देखिए हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब ये वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये बाहर की तरफ जूम हो रहा है बहुत स्लोली, आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि क्लिप बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इसको अप्लाई करना है तो आप अलग से एक क्या बोलते हैं उसे एडजस्टमेंट क्लिप के ऊपर अगर उसे अप्लाई करते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप उसे उसकी लेंथ जो है कम ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे बैकग्राउंड में टेक्स्ट और इमेज आ रही है, यह सब चीज़ें बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो अपने वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया इस सारे टूल्स का यूज़ कैसे करना है। और यहाँ पर देखिए ऑडियो मिल रहा है साइड में, फिर आपको इफेक्ट्स इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो इफेक्ट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ओपन इफेक्ट्स मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि ब्लर वर हमको लगाना है तो बहुत इजी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल हमने क्लिप के ऊपर से लग दिया तो देखिए ये वाला साइड का इफेक्ट वाला ओपन इफेक्ट्स वाला यहाँ पे ऑप्शन खुल चुका है, जहाँ से आप इसे ओपन इफेक्ट्स वाले जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब वो वाला देखिए यहाँ पे ओपन इफेक्ट्स का इनेबल हो चुका है। अभी इसके ऊपर ऐसे कुछ करने लायक नहीं है इस वाले इफेक्ट्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। बहुत से इफेक्ट्स होते हैं ओपन इफेक्ट्स वाले जहाँ पर आप माउस से ही यहाँ पर उसे कंट्रोल का आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए जैसे कि एडवांस कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है गॉशियन ब्लर के अंदर ही, तो आप इसके अंदर बहुत सारे मिल रहे ऑप्शन, इनको मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। हमें इसे अंडू करना है सब कुछ, ओके, हमें ब्लर नहीं चाहिए। फिर से हम अगर इफेक्ट में जाए इंस्पेक्टर में जाए तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन का भी अभी डिसेबल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपल एक यहाँ से एक ट्रांजिशन आपको अप्लाई करके बताता हूँ कि इसे और कितनी तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अभी मैं स्लाइड वाला जो है सिंपल, इसको पुश वाला, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने अप्लाई कर देता हूँ इसको पुश वाले को, ये इंस्पेक्टर में हमने ओपन किया। देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं दिखा दे रहा, अभी हमने इसको अप्लाई किया। अब अप्लाई करते देखिए ट्रांजेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी हमने इसको सब बंद कर देते, अभी देखिए यहाँ पर दिख रहा है, बहुत इजी तरीके से हो रहा है, पता भी नहीं चला है ना। लेकिन अभी देखो इसके ऊपर आप चाहे तो यहाँ से इंस्पेक्टर में जाकर इसका सेकेंड वाइज ड्यूरेशन वाइज कर सकते हैं, या फ्रेम वाइज इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उसे लेफ्ट राइट या सेंटर जैसे आप लगाना चाहे क्लिप के ऊपर लगा सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। देखिए तो आप इसके अंदर बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ट्रांजेक्शन के अंदर भी आप बहुत कुछ खेल सकते हैं। ओनली इंस्पेक्टर टैब के अंदर ही बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कोई भी लगाने के बाद। अब देखिए इसके हम बॉर्डर भी बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में इसको फेदर भी कर दिया। देखो दोनों क्लिप एक में मिल रही है, पता भी नहीं चल पाता है कि कहाँ से ट्रांजेक्शन शुरू हुआ, मतलब बहुत स्मूथ तरीके से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन का हिस्सा है सब कुछ, और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा ये मोशन ब्लर। देखिए यहाँ पे मोशन ब्लर भी आपको मिल रहा है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है मोशन ब्लर। जब भी स्लाइड में जाएंगे ये जो भी, तो मोशन ब्लर दिखने से आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है ये मोशन ब्लर। हर जगह नहीं मिलता है आपको, प्रीमियर प्रो में बार बार लगाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत जाती है और लोड भी बढ़ता है, लेकिन डैविंची रिजॉल्व में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेम यहाँ पे टाइटल्स के अंदर आपको मिलने वाला है, देखिए टाइटल्स टेक्स्ट प्लस बहुत कुछ इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं। अभी हमने यहाँ पर लगा दिया सिंपल, फिर हम इंस्पेक्टर में जाएंगे, सारा काम जो आपका इंस्पेक्टर में होने वाला है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट प्लस ले लिया क्योंकि आपको मैं कुछ थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। मिस्टर रोश को तो आप जानते हो, उसके जैसे भी टेक्स्ट बना सकते हैं बहुत कुछ कुछ सेकेंड्स के अंदर। देखिए हमने यहाँ से बना लिया, अपना एक फॉन्ट ले लिया, फिर हम जाके शेडिंग में यहाँ पर टू पर जाकर इसको कर दिया ऑन। इससे क्या है, बेसिकली आउटर लाइन यहाँ पर बन गई हमारे टेक्स्ट के ऊपर, ओके। हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ओके। और जो मिस्टर हुस्ट के अंदर जो होता है ना ग्रेडिंग वाला ऑप्शन होता है, तो सिंपल इसको कर लिया, और ब्लैक वाला जो कलर इसको हम ले लेते यहाँ से ब्लू, मेक श्योर यहाँ से आपको ऊपर उठाना है, ब्लू कर लेना है। और बीच वाले कलर को भी हम थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेते हैं, जो कि स्काई ब्लू करते हैं, ठीक है, ताकि शेडिंग लगे बढ़िया से। और लास्ट का वाइट तो ठीक ही है। देखिए मिस्टर हुस के जो टेक्स्ट होते हैं बस इसी तरह से होते हैं, बस फॉन्ट हमको चेंज करना है। यहाँ पर हमने फॉन्ट जो है ऐसी एक बेसिकली कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया है, और भी आप इसके अंदर सेटिंग करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमें अभी इसके अंदर कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इतना ही काफ़ी है। आप जितना छेड़छाड़ करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके साथ खेलेंगे, जितना आपको पता चलेंगे इसके अंदर। थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं हम बॉर्डर की, मतलब इसके अंदर आप बहुत कुछ इतना सेटिंग मिलता है कि आप जो मन में आया आप इसके अंदर कर सकते हो। इनके ऊपर सेपरेट से वीडियो बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये कस्टम टाइटल जो हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं मिस्टर, जैसे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा डिटेल में, तब जाके हम इसे कर पाएंगे। देखिए आप इसके मूवमेंट भी यहाँ से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, कोई ट्रांसफॉर्म वाला इसके ऊपर इफेक्ट नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ बेसिकली इसके अंदर इनबिल्ड होता है हर क्लिप के ऊपर। ये इंस्पेक्टर में जाएंगे तो आपको ये सारे जो टूल्स है यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स के अंदर ये हो गया टाइटल का आपका सब, इफेक्ट्स की अगर हम बात करें एडजस्टमेंट के लिए फ्यूजन कंपोनेंट, ये सब कुछ आपको यूज़ करना आना चाहिए। धीरे धीरे आपको वीडियो जैसे आप सीखेंगे, बेसिकली पहले कुछ कुछ चीज़ें सीख लीजिए और एडिटिंग आप इसके अंदर बहुत ईजी से कर सकते हैं। देखिए जैसे टेक्स्ट के ऊपर हमने ग्लिच इफेक्ट लगा लिया बहुत ईजी तरीके से, तो ऐसे ही बहुत कुछ इसके अंदर बहुत आसान है डैविंची रिजॉल्व के अंदर, बस आपको इस बार एक बार इसको शुरू करना है, बाकी सब हो जाएगा। फिर आता है फ्यूजन टैब, तो फ्यूजन टैब के अंदर बेसिकली डरने वाली कोई बात है नहीं, और इसके ऊपर इतना एक ही वीडियो में बताना भी मतलब आसान नहीं है, बहुत बड़ा है। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स है उसी तरह से फ्यूजन टैब इसके अंदर जो भी आफ्टर इफेक्ट्स में आप कर सकते हो उसके अंदर आप इसमें भी सेम कर सकते हो। तो देखिए मैंने एक अपना ओन इफेक्ट्स बना के रखा है जिसका फ्लिकर टेक्स्ट 1x1 करके दे रखा है, ये अगर आपको प्रीसेट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको जरूर से सेंड करूंगा, या फिर अगली बार इस पर वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ये प्रीसेट मैं आपको दे दूंगा। सिंपल देखिए डालना है और ये आपका बन गया। अब यहाँ पे जो आप टेक्स्ट में जाकर इन टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो, और आपको ये इफेक्ट ईजी से मिल जाएगा। बैकग्राउंड में या कहीं भी आप लगाना चाहिए इसको लगा सकते हो, फ्यूजन टैब की ये खासियत है। फिर आ जाते हैं हम कलर टैब के अंदर, कलर टैब भी इतना ईजी नहीं है। कलर ग्रेडिंग मतलब डैविंची रिजॉल्व जाना ही जाता है कि कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से कलर ग्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पावर ग्रेड मैंने कुछ ऑलरेडी बना के रखा है, जो सिंपल क्लिप के ऊपर मैं डालता हूँ तो मेरी क्लिप पूरी तरह से ग्रेड हो जाती है, तो इतना ईजी है इसके अंदर। अगर आपने कोई एक बार सेट बना लिया तो आप उसका पावर ग्रेड सेव करके रखिए, यानी कि लट्स सेव करके रख सकते हो बहुत ईजी तरीके से, और उसे बहुत ईजी से आप अप्लाई कर सकते हो अपनी किसी भी क्लिप के ऊपर। तो बेसिकली
फ्यूजन और कलर पेज जो है इस वीडियो में तो सिखाना असंभव है। एडिट टैब भी मैंने आपको जो बेसिक चाहिए, बेसिक एडिटिंग के लिए चाहिए, वो आपको मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। बाकी फ्यूजन और कलर टैब आपको अगर बहुत डिटेल में जानना है तो मैं आगे वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा। और फेयर लाइट, इसके अंदर आप ऑडियो एडिट देखिए। फेयर लाइट के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट क्रिस्प डीप साउंड कैसे करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हूँ फेयर लाइट के मामले में। फिर आ जाते हैं डिलीवर पेज में। इसमें देखिए आप कस्टम एक्सपोर्ट कर सकते हो, यूट्यूब की सेटिंग मिल जाएंगी जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए उसका, और ऐड टू रेंडर क्यू करने से आपको फोल्डर का सजेशन मिलेगा जहाँ आप सेव करना है नाम वाम जो भी, और रेंडर करने से आपका वीडियो रेंडर होना शुरू हो जाएगा बहुत फास्ट तरीके से रेंडर हो। ठीक है, डैवेंच रिजल्ट को तोड़ नहीं है, स्टूडियो वर्जन ले लेते हो, पूरा जीपीओ को चूस लेगा, ये बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे आपके पूरे लैपटॉप का। आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा एडिटिंग के बारे में, आपको कुछ समझ में आया कि हाँ आपको डैवेंच रिजल्ट के ऊपर स्विच होना है, उसी को यूज़ करना है स्टार्टिंग से, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना ताकि अगली बार मैं वीडियो बना के सकूँ डैवेंच रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है या नहीं। अगर आपको कुछ गलती लगती है मेरे से हुई है, या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसे जरूर से अप्लाई करूँगा। अगली वीडियो में आपको मैं मेंशन भी करूँगा कि भाई इन्होंने मुझे कहा ऐसे करने के लिए, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है जरूर से लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए डैवेंची रिज़ॉल्व के ट्यूटोरियल्स आगे देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।